जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लेकर के एक चीज तो क्लियर है कि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी फाइटर स्क्वाडन क्षमता को लेकर के स्ट्रगल कर रही है। और एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास इस समय सिर्फ 31 एक्टिव फाइटर स्क्वाडन है। और हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने हमको और भी ज़्यादा डराया, क्योंकि उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाडन क्षमता है वो घट के 29 तक आ सकती है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय एक ही तरीका है इस पूरे मामले से बाहर निकलने का, और वो है स्वदेशी फाइटर जेट्स का एक्विजिशन। जी हाँ, एडिशनल 50 तेजस मार्क 1A की खरीद हो या फिर हमारे इंडिजिनस फाइटर का फास्ट प्रोडक्शन हो, अब यही हमें इस दुविधा से निकाल सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और तेजस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर कोटा हरिनारायण सर ने अपने एक वक्तव्य के दौरान कहा है। कोटा हरिनारायण सर ने कहा कि तेजस की जो परिकल्पना थी वो इस पे आधारित थी कि आने वाले समय में हम स्वदेशी फाइटर्स का इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो निर्भरता है विदेशी फाइटर जेट्स में वो कम की जाएगी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिसके आधार पे हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। कोटा हरिनारायण सर ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जब तक हमारे सारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं आते हैं, इंडियन एयरफोर्स में उनका इंडक्शन नहीं शुरू होता, ये समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बात कही है, आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसकी एंडिंग को मिस भी नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पूरा मामला। कोटा हरिनारायण सर कहते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारा वो प्रोग्राम था जिसने हमारी एक जो सपनों की उड़ान थी उसको सही दिशा दिखाई। और तेजस प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसे ड्रीम के साथ करी गई थी जहां पर हमारा लक्ष्य था भारतीय वायुसेना में फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करना। और ये ड्रीम उस समय देखा गया था जब भारतीय वायुसेना में थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट कार्यरत थे। उन्होंने कहा, तेजस प्रोग्राम की शुरुआत जिस प्रकार से हुई वो काफ़ी उल्लेखनीय था, क्योंकि हमने जीरो से शुरुआत करी। जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो ना तो हमारे पास कोई अच्छे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर थे और ना ही हमारे पास अनुभव था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस समय इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई थी तो जो उस समय सक्सेस रेट एस्टिमेट किया गया था वो सिर्फ 1% के आसपास ही था, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और इस सपने के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू रखा कि एक न एक दिन भारतीय वायुसेना में हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं ये कार्यरत होंगे। और आज जब भारतीय वायुसेना में ये एयरक्राफ्ट वो देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। उन्होंने कहा, रही बात आत्मनिर्भरता की और भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने की, तो वो सिर्फ एक ही प्रकार से हो सकती है, बड़ी संख्या में स्वदेशी फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि भारतीय वायुसेना में तब तक जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं आते। उन्होंने कहा, फ्यूचर के जितने फाइटर जेट्स हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके आने के बाद ही भारतीय वायुसेना को MiG-21, MiG-27, MiG-29, Mirage 2000 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भी इस समय हमारे जो छोटे इंटरप्राइजेज हैं या फिर वो कंपनियां जो तेजस प्रोग्राम में सहयोग कर रही हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके मदद के बिना जो सही मायने में आत्मनिर्भरता है वो हमें इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो सकती। हरिनारायण सर कहते हैं कि भारत में आज का जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है वो पहले के तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने उसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन आज भारत का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो किसी भी ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी को टक्कर दे सकती है। और हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम ना सिर्फ जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं, बल्कि हम 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को भी शुरू कर चुके हैं, जो कि आने वाले समय में वास्तविकता का रूप भी ले लेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने इंडिजिनस फाइटर का प्रोग्राम की शुरुआत को देखें तो हम समझ पाएंगे कि हमने किस प्रकार इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को समझा और हमने MiG-21 फाइटर्स का रिप्लेसमेंट तैयार करना शुरू कर दिया। उस समय इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंडर्ड थे, या यूँ कह लें इंडियन एयरफोर्स ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो काफ़ी हाई थे और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था एक ऐसे एयरक्राफ्ट को तैयार करना जिसको बनाने का ना तो हमारे पास अनुभव था और ना ही उसको कैसे तैयार करना है इसके लिए हमारे पास ज़रूरी साजो सामान थे। लेकिन फिर भी इनिशियली वर्ष 1983 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाता है और 500 करोड़ रुपये का जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है इस कमिटमेंट के साथ कि हम इस प्रोजेक्ट को वास्तविकता का रूप देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये तो हमको पता थे, लेकिन उनको कैसे टैकल करना है उसकी रणनीति हमने जो बनाई वो काफ़ी आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई।
और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पास न सिर्फ एक अच्छा इकोसिस्टम है बल्कि हमने एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित कर लिया है जो अपने कैटेगरी के सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। और उन्होंने कहा कि हम भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम अपने स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को मास प्रोडक्शन में नहीं लाते। और उनका कहना ठीक भी है और शायद उनके कहे नक्शे कदम पे इस समय इंडियन एयरफोर्स चल भी रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो ये है कि वर्ष 2040 तक भारतीय वायुसेना की फ्लीट में तकरीबन 50% जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिजिनस होंगे। और ये प्रोग्राम कैसे पूरा होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं डिटेल में। मार्च 2023 में भारत के पार्लियामेंट में इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी जाती है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो इंटेंशन है वो सामने रखे जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनस फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट को पूरा समर्थन दे रही है और तेजस मार्क 1 प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ इसने भारत को स्वदेशी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट दिया है बल्कि इंडियन एयरफोर्स कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के कि आने वाले समय में जो हमारे ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में हमारी सहायता करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स 73 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स को इंडक्ट करने वाली है और ये फेज्ड मैनर में होंगे और इसके बाद 108 की संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे जो कि 2028 से प्रोडक्शन में आएंगे और ये तकरीबन 28 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर से भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, इस बात की पूरी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके बाद 2040 तक भारतीय वायुसेना के पास 140 ऑपरेशनल एमका फाइटर जेट्स होंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएंगे। उन्होंने संसद में ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान और भी ज़्यादा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स इस समय एडिशनल 50 तेजस मार्क 1A जेट्स को कंसीडर कर रही है ऑर्डर करने के लिए। इसके अलावा जब 108 तेजस एयरक्राफ्ट या तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे तो एडिशनल 50 तेजस मार्क 2 का ऑर्डर भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया जाएगा जो कि कुछ अपग्रेड्स के साथ में आएंगे, जैसे कि इनके इंजन, इनके एवियोनिक्स और इनके सेंसर्स में अपग्रेड किए जाएंगे। और इस प्रकार 2040 से 45 तक भारतीय वायुसेना में 50% एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जो कि इंडिजिनस होंगे, यानी भारतीय वायुसेना के फ्लीट में 50% जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेशनल होंगे। और बहुत मुश्किल है कि 2028 के बाद भारतीय वायुसेना किसी विदेशी फाइटर की तरफ नज़र भी डाले। एमका 2 पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 2033 से 2035 तक एमका मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि इनिशियली तकरीबन 20 से जो 30 यूनिट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करी जाएंगी और कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास 100 यूनिट्स भी पहुंच जाएंगी। तो इस प्रकार भारतीय वायुसेना की जो प्रतिबद्धता है वो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है और इंडियन एयरफोर्स ये बात अच्छे से समझती है कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिजिनस फाइटर्स ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 2035 से 40 के बीच में इंडियन एयरफोर्स अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को वास्तविकता का रूप देना शुरू करेगी क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अधिकतर 5th जन फाइटर्स से ही बोरो करी जाएंगी। इसलिए जो 6th जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको भी इनिशिएट किया जाएगा। और कल की रिपोर्ट में हमको पता चला था कि एमका के डिज़ाइन और दूसरे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद जो 6th जन फाइटर्स हैं उस पर काम शुरू किया जाएगा। 6th जन फाइटर्स की कैपेबिलिटी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अलग अलग वीडियोस में, तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है जिस पे काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, वो है MRFA जिसके अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों ने ये बताया था कि बहुत जल्दी इसको लेकर के जो मंजूरी है वो प्राप्त कर ली जाएगी और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। एक अनुमान ये कहता है कि अगर 2025 तक भी ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया जाता है तो भारतीय वायुसेना को जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2028 से 29 के बीच में ही मिलेगा MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये वो टाइम होगा जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी ये सारे प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार भारतीय वायुसेना अपने निर्धारित 42 स्क्वाड्रन की जो क्षमता है उसको प्राप्त कर सकेगी। इसके अलावा जो पुराने फाइटर जेट्स हैं जैसे कि सुखोई 30M की आई हैं, इनको ऑलरेडी अपग्रेड देना शुरू किया गया है क्योंकि ये वर्ष 2040 तक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। और आपको याद होगा इसी वर्ष की शुरुआत में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से सुखोई 30M की आई को रिप्लेस किया जाने का प्लान सामने आया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।